तो देश के झंडा अमर रहे, अतीक अहमद तुम अमर हो, अशरफ अमर रहे। वो कौन सा शहीद है जिनके ऊपर तिरंगे फहराए जा रहे हैं? काउंटर हुआ तो हुआ है, वो इससे बुरा हाल होगा। नेवी में था, पुलिस में था, बीएसएफ में था, क्या था वो जो उसको शहीद हो गया? ईश्वर था ना, ईश्वर ने बुला लिया, बात खत्म। साहिस्ता का सबसे बढ़िया बात है कि वो सरेंडर कर दे, योगी है तो मुमकिन है, गुंडराज खत्म हो जाएगा पूरा। जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद से ही लगातार जहां यूपी सरकार पर जो है कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दल तमाम सवाल खड़े कर रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस नेता रज्जू भैया ने जो है एक बयान दिया, और बयान क्या दिया बल्कि उन्होंने शहीद घोषित कर दिया अतीक अहमद को। वो कहते हैं कि अतीक अहमद को शहीद का दर्जा देना चाहिए। तो आइए इस विषय पर लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। बताइए, अतीक अहमद को कांग्रेस नेता जो है वो शहीद का दर्जा देना चाहते हैं, उसकी कब्र पे तिरंगा फहरा रहे हैं। गलत है ना ये, वो शहीद थोड़ी ना है। बदमाश शहीद होते हैं क्या? शहीद तो वो होते हैं जो फौजी होते हैं, जो देश के लिए अपनी जान देते हैं, वो होते हैं शहीद। ये कौन से शहीद है जिनके ऊपर तिरंगे फहराए जा रहे हैं? दल को क्या ये करना जायज है? ये तो सब वोटों की राजनीति है और कुछ नहीं है। सब अपने वोट बैंक बनाते हैं और कोई नहीं है, और कोई इनका रीजन नहीं होता। ये रीजन है इनका कि पब्लिक को भड़काओ, हिंदू मुस्लिम कराओ, बस ये है और कुछ नहीं है। ये तो गलत है। देखो, किसी भी कोई भी धर्म है, धर्म के ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, या सिख है, ईसाई है, कुछ भी है, इंसान इंसानियत है ना। लेकिन उसमें ना क्या है कि धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। ये गलत है कि जय श्री राम उसको मार के बोलो जय श्री राम, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। योगी सरकार कहती है उसके राज में गुंडा गर्दी जो है, गुंडा राज पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। वाकई खत्म हो? पूरी तरह से तो खत्म नहीं है। देखो, अभी नहीं कभी खत्म हुआ और ना ही कभी होगा, ये तो चलता रहता है। ये है कि थोड़ा बहुत है जो कम हो गया है, ये ठीक है कि कम हुआ है, गुंडा गर्दी कम हुई है। लेकिन अकेले योगी भी या कोई भी मंत्री हो, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी पूरी तरह से गुंडा गर्दी खत्म नहीं कर सकता। ये तो गुंडा आज एक मरा है कल दूसरा पैदा हो जाएगा, पता जब चलता है, जब बहुत पहुंच हो जाती है उसकी, अच्छा बन जाता है और उसके बाद पता चलता है। अतीक अहमद का किसी को पता था? अभी तक कोई खबर थी मीडिया में कहीं भी उसकी? नहीं थी ना। अभी एकदम उभर के आ गई। चलो जी, विकास दुबे जी थे, वो भी मर गए, उनका भी किसी को नहीं पता था क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो एकदम मीडिया में आ गए, चलो भाई प्रचार हो गया, वो भी खत्म। तो ये है कि ये तो गुंडागर्दी तो चलती रहेगी, हमेशा से चलती आई है और हमेशा चलती रहेगी। कोई पूरी तरह से नहीं खत्म कर पाएंगे, कोई भी सरकार है, कोई भी गवर्नमेंट है, पूरी तरह से नहीं कर पाएगी। पर ये है कि हाँ, कुछ कम हुआ है, ये है गुंडागर्दी खत्म कम हुई है। जो है उसका बेटा जो है उमर, अभी भी वो जेल में बंद है और वो वहीं से ये बोल रहा है कि मैं अपने पिता का इंतकाम लूंगा, उसका पिता की हत्या का इंतकाम लूंगा, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? वो जेल के अंदर से ही धमकी दे रहा है। वो धमकी दे रहा है, ये खाली खोखली धमकी देने से कुछ होने वाला नहीं है। वो जेल में वो क्या धमकी देगा? उसमें कुछ नहीं होने का मैडम, जो भाई बोलेंगे सही बोलेंगे। वो धमकी दे रहा, धमकी हाँ, वो जेल में उनको टुलका दिया जाएगा, फिर क्या कर लेंगे वो? क्या इंतकाम ले लेंगे, क्या बदला ले लेंगे, क्या करेंगे? गायब है, क्या लगता है सरेंडर करेंगे? सिलेंडर तो नहीं करेंगे, सिलेंडर करेंगे नहीं, वो सिलेंडर करेंगे नहीं। क्यों, खुद कोई अपने आप थोड़ी ना सिलेंडर होगा, या खुद अपने आप जाएगा वो जेल में? नहीं जाएगा ना, तो उनका उनका कुछ नहीं है, वो सिर्फ गोली का शिकार होंगे, एनकाउंटर होगा। कह रहे हैं कि एनकाउंटर कर देना चाहिए। हाँ, कर देना चाहिए, या तो सिलेंडर करो, नहीं तो एनकाउंटर होगा ही होगा, उसमें कुछ वो नहीं है। वो तो क्या लगता है कि वाकई गुंडाराज खत्म हो रहा है? यस मैम, बहुत हो रहा है जी मैम। बड़ा बेटा तो जेल से ही धमकी दे रहा है कि बाहर निकल के इंतकाम लेंगे पिता की हत्या का। जिस दिन वो भी आएगा, वो भी मरेगा ऐसे ही, वो भी ऐसे ही मरेगा, वो इससे बुरी तरह मरेगा, उसको एनकाउंटर उससे इतने बुरा तरह मरेगा वो भी। विपक्षी दल तो कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े कर रहे हैं। मैम, जिसको कोई भी दिक्कत है ना, वो सामने आके बोल ले, चैनल पर सिर्फ सब बोलते हैं, लेकिन सामने आके बोले जो भी बोलेगा। जी मैम, मैम जिसको करना है करो, लेकिन एनकाउंटर हुआ तो हुआ है, वो इससे बुरा हाल होगा। जब तक योगी सरकार है, जब तक कोई भी गुंडागर्द नहीं चला इस सरकार में। अब लेकिन शहीद कहना जायज है अतीक अहमद को? बहुत गलत है, बहुत गलत। वो गुंडा था, गुंडा है, गुंडा रहेगा। शहीद को वो उसके अंदर था क्या? आर्मी में था, नेवी में था,
पुलिस में था, बीएसएफ में था, क्या था वो जो उसको शहीद हो गया? अरे गुंडा था, एनकाउंटर हो गया या किसी ने भी मार दिया, अच्छा होगा उसका अंत, अंत करोगे तो अंत हो गया, अंत ही होगा उसका। नहीं, विपक्षी दल को देने नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वो शहीद हो, शहीद तो हम जब मानेंगे ना, पुलिस में होता, आर्मी में होता तब तो शहीद था वो। एक गुंडा मार भी आता, उसने दुनिया भर के वो करे हुए अपराध, और मर गया तो कौन सी आपत आ गई? पैसे दे रहा था उनको, इसलिए वो उसके हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार को दे रहा था, सबको दे रहा था, एलडी को दे रहा था, उनके पैसे दे रहा था, इसलिए वो उनको प्रसाद इनके साथ खड़े हैं। दे दो दिया हमने, इस बार है वो, हमें दिख दिया है, सबको पता है कि इस बार है, पता चल गया कि इस बार कौन होता है, कह तो रहे हैं। अगर इस बार बन गया, इस बार पहुंच गए वो, भगवान के पास चला गया, क्या हो गया? अल्लाह के पास, ईश्वर के पास चला गया वो, ईश्वर था ना, ईश्वर ने बुला लिया, बात खत्म। पूरी संरक्षण में हत्या हुई, इस बात को अगर ये संविधान के, पहली बात तो उसको वो हो गया थी जेल, क्या नाम है, सजा वगैरह उसको हो गई थी, आने वाले कुछ टाइम बाद उसे फांसी भी हो सकती थी। ये थोड़ा सा अगर संविधान के दायरे में चलते तो शायद ये इतनी आवाज़ें नहीं उठती। अब क्या है कि पार्टी जो है जितनी भी अभी आवाज़ उठा रही है कि शहीद हो गया, शहीद कायम, शहीद हो गया वो, गुंडा था, मर गया, बात खत्म हो गई। उसके बावजूद अब ये तीन लड़के पकड़े गए हैं, अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं क्या नाम है बिश्नोई बनना चाहता हूँ, एक बदमाश बनना चाहता हूँ, क्या प्रोहित? जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं तो क्या हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश नहीं? जय श्री राम के नारा कोई गलत बात है क्या? लेकिन अब ये क्या, जब एक आदमी घबरा जाता हो क्या करता, या तो अल्लाह को पुकारेगा या भगवान को पुकार के, हे भगवान, हे अल्लाह यार, राम राम, जय श्री राम, तो उसमें उसे हिम्मत सी बन गई। अब ये कह रहे हैं कि लोग बाकी पुलिस वाले क्यों नहीं मरे, मतलब पुलिस वाले मर जाते तो ये मानते कि हाँ जी वो हुआ, पुलिस वाले नहीं मरे तो उनका जिन्होंने एनकाउंटर जानबूझ के करा। क्या लगता है योगी सरकार में गुंडाराज वाकई खत्म हो गया जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या हुई? सबको पता है बदमाशी तो खत्म होती जा रही है, आगे भी खत्म होगी बदमाशी। एक एक फिल्म आई थी दादा का, चाचा का, फलाने का, ढिमकने का, मैं बदला लूंगा, अब वो बनना चाह रहा है क्या? वो वहां से दे दिया, अब अपने बाप का हाल देख लिया, अब तू तो सुधर जा, कम से कम चार बच्चे हैं, चार तो सुधर जाओ। शाइस्ता को ढूंढा जा रहा है, राजभर कह रहे हैं कि एनकाउंटर कर देना चाहिए। शाइस्ता का सबसे बढ़िया बात है कि वो सरेंडर कर दे, इससे बेस्ट कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है, सिलेंडर कर दे, अपना लड़ ले केस को, बाद में अपने देख लियो बच्चों को। अरे बच्चों से तो मिल ले कम से कम, इतना सब कुछ कांड, जनाजे में भी नहीं पहुंची, पहुंची कैसे? डर अंदर बैठा हुआ ना, योगी का डर बैठा हुआ है, योगी है तो मुमकिन है, असंभव को संभव कर दिया और क्या चाहिए। हत्या हो गई जिस तरीके से, पुलिस संरक्षण में, कानून व्यवस्था पे सवाल नहीं खड़े हो रहे? तो इन्होंने कितनों के घर उजाड़े होंगे आपको पता है? हैं, अगर ये हत्या दिखाई दे रही जो पीछे इन्होंने करे हैं, कांड करते हुए आए हैं, वो हत्या दी थी, वो तो कुत्ते बिल्ली थे ना जो मार दी इन्होंने। सपा सरकार ने करवाई, क्यों लगता है आपको कि सपा सरकार ने कराई हो? जो पहले भी अगर कान अगर ये बजाते, ठीक है, उसके एक वाइफ थी जिसका भी अफेयर चल रहा था जेल में, उसने ये बात बोली है कि यो सपा सरकार ने मरवाया है। जब तक योगी सरकार है जब तक कुछ नहीं हो सकता, याद रखना, कोई भी आ जाए सरकार, लेकिन जब तक योगी सरकार ऐसी है जो हर घर में घुस के मारेगी, कोई भी गुंडा राज खत्म हो जाएगा पूरा। जय श्री राम। लगातार आप देख सकते हैं अतीक अहमद की हत्या, अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद जिस तरीके से योगी सरकार जो है उसको लगातार लोग बता रहे हैं कि जो भी हुआ बुरे काम का बुरा नतीजा दिया गया। शाइस्ता परवीन गायब है, असद की आज कोर्ट में पेशी है। बहरहाल तब तक बने रहे हमारे साथ कैमरा पर्सन अनिकेत मिश्रा के साथ आस्था तिवारी सौगंध टीवी पर। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।